तो आपका वीडियो चालू हो है या अभी? अभी तो खैर मुझे नहीं दिख रहा है, एक मिनट। एक दिखी दिखी, थोड़ा अच्छा तो दिख रहा है आपका, थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ बहुत बढ़िया। तो अभी हम सीधे बात करना चालू ही करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि आपने जो वीडियो भेजा था छत बनाने को लेके, पहले तो मुझे आप बताइए कि आपका जो अभी घर बन रहा है वो किस परिस्थिति में है, कहाँ तक पहुंचा है? अभी तो आप वही है वीडियो जो बंद भी कर सकती हैं कारीगर यदि कुछ मुश्किल है बीच वैसे में तो। काम नहीं हाँ नहीं उनका भावनगर में काम चल रहा था जो हमारे कारीगर है उनका, इसलिए थोड़े दिन लग गए। हाँ अभी एक दो दिन में बोल रहे कि चालू कर दो। हाँ आपकी आवाज थोड़ी पीछे आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद वीडियो के कारण आवाज ऐसा हो रहा होगा। आप वीडियो पॉज कर सकती हैं, आपका वीडियो बंद करना चाहे तो। मैं भी अपना अभी के लिए बंद कर देता हूँ, शायद आवाज ठीक से आएगी। हाँ हाँ अभी बोलिए। उन्हें कहाँ पे काम चल रहा तो आपके काम करने वाले जो है हैं वो भावनगर गए हुए थे? हाँ आपकी आवाज ना अभी भी टूट हाँ रही है मैत्री जी, एक बार फिर से कनेक्ट। अभी बोलिए, इस बार आई शायद। शायद हाँ नेटवर्क अभी आ रही है। हाँ अभी आ अभी रही ठीक से आ रही है। है। हाँ तो जब आ रही है तो जल्दी जल्दी बोल दीजिए। वो जो मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी ना, हाँ वैसे बना आपने सकते भेजा हैं यहाँ था पे। जो वीडियो जिसमें वो छत बना रहे हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी आपका काम हाँ कहाँ तक पहुंचा है, पहले तो ये बताइए। अभी तो वही है, छत वाले लेवल पे प्रिंटर आ गए? हुआ है अभी। नहीं आया फिर से टूटने लगी आपकी आवाज। जब मैं बोल रहा था कि आ रही है तब आप जहां भी थी वहीं रह के देखिए, या फिर आपको ही पता होगा आपके यहाँ नेटवर्क कहाँ पे अच्छे से आ रहा है। अभी शायद आएगी, विंडो साइड आ गई हूँ। हाँ अभी आई। अभी आई। हाँ बताइए। हाँ तो वो पूछना था कि वो कैसा रहेगा अगर वैसे छत बनाई तो। वैसे छत जो है कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ पे वो लकड़ी के वो चपटे वाले फट्टे लगा रहे हैं, वो हाँ फट्टे लगाने के बाद वाला जो पोर्शन है उसमें वो केमिकल लगा रहे हैं, तो नहीं वहाँ पे अलग हो जाएगा। वहाँ पे हम तो केमिकल कभी नहीं लगाते हैं, और हम चाहते भी नहीं कि कोई भी केमिकल लगाए। हाँ तो उस नहीं जगह वो पे आपको अपना जो मसाला है मिट्टी चूने वाला जिससे ईंटों की चुनाई भी करते हैं, उसी मसाले को आपको वो फट्टों के ऊपर पूरा अच्छे से ऑलमोस्ट 2 इंच 3 इंच तक डालना है। हाँ हाँ वो तो हम भी कोई केमिकल नहीं यूज करने वाले। हाँ तो उतना ही अलग होगा, बाकी वो नीचे वाला जो लकड़ी वाला पार्ट है वो सब वैसे ही का वैसा आप बना सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ हाँ जो ऊपर वाटर प्रूफिंग के लिए वो लोग केमिकल लगा रहे हैं उसकी जगह आप मिट्टी चूने वाला लगाएंगे, और उसके ऊपर चूना और रेत की
फाइनल लेयर जो है वो प्लास्टरिंग कर देंगे। तो वो जब उस लेवल पे आएंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा, तो फिर मैं क्या मिक्सचर है क्या मिक्स करना है मैं बता दूंगा। अभी किस लेवल पे आए हैं? अभी तो आपको मैंने जो फोटो भेजे थे ना, उतना ही है प्लिंथ तक। प्लिन तक है? अच्छा, अभी हम लोग थोड़े दिन में लकड़ोड़ा आने भी वाले हैं, शायद अप्रैल अप्रैल में आएंगे अगले महीने। अभी अच्छा तो महाशिवरात्रि है तो इसके समय तो कुछ नहीं हो सकता, हाँ, पर अप्रैल में आएंगे। तो जब तो आएंगे आई तब वहां पे भी देख लेंगे क्या चल रहा है। तो वो लोग कब काम चालू करेंगे जो भावनगर गए हुए? 2-3 दिन का बोल रहे थे कल, अभी देखते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, आने ही वाले हैं मतलब। ठीक है, और तो एक दीवारें उठाना चालू दूसरे, करेंगे। बोलिए। हाँ दूसरे तरीके से भी हमने सोचा था छत का, वो पूरा हाँ गाटर के साथ पत्थर का, और उसके ऊपर फिर वो चूना, हमारा जो मिश्रण है मिट्टी चूना हाँ। का, वो डाल के पक्की छत हाँ, वो तो सबसे अच्छा है। यदि आप है ना। पत्थर लगा रहे हैं तब तो सबसे अच्छा है, मतलब वो तो फिर ऐसे 200 साल 500 साल तक भी आराम से रहेगी वो छत। हाँ, तो उसमें हम तो पत्थर कौन सा इस्तेमाल करें? उसमें आपको पत्थर जो पतले पतले उसके आते हैं लगभग, कड़पा, आपने कड़पा भी देखा होगा, कोटा स्टोन देखा होगा। तो आप आसपास जहाँ पत्थर मिलते हैं ना उधर पत्थर पता कीजिएगा। तो उसमें लगभग दो 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 3 इंच वाला जो मोटाई का आता है हाँ कड़पा और कोटा स्टोन, हाँ तो वहां पे उस एरिया में जो भी मिल रहा है वो आप लगा सकती हैं। तो उसके लंबे लंबे वो चौक ऐसे आयताकार रहते हैं, मतलब 2 फीट बाई 1 फीट या 2 फुट बाई 2 फुट बड़े बड़े पीस रहते हैं। हाँ तो वो भी बहुत अच्छे हैं, वो तो ज्यादा अच्छे हैं। यदि पत्थर से किया तब तो सबसे अच्छा है, अच्छा क्योंकि उसकी लाइफ सबसे और ज्यादा है, सबसे ज्यादा लाइफ पत्थर की ही है। हाँ, और वो जो और हम उस चूना का मिश्रण करते हैं मकान बनाते समय, उसमें और क्या क्या डाल सकते हैं? चूने का मिश्रण कई अलग अलग समय पे होता है, तो आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं, जिससे आप ईंटों को जोड़ते हैं वो, या फिर जिससे हाँ, आप ऊपर प्लास्टरिंग करते हैं वो, नहीं फ्लोरिंग ईंटों को प्लास्टरिंग? छोड़ते हैं वो। ठीक है, तो ईंटों को जोड़ने वाले में आप एक पार्ट चूना, हाँ तीन पार्ट आपके वहां की मिट्टी, जो भी वहां की लोकल मिट्टी है आपके साइड हाँ पे ही जो निकल रही होगी, लेकिन आपकी मिट्टी की टेस्टिंग हमने नहीं की ना। उसमें आपने टेस्टिंग की है क्या, कितना क्या क्या परसेंटेज आया है आपको याद है? नहीं, वो तो नहीं किया। तो टेस्टिंग करना टेस्टिंग सिखाया करना है ना मैंने, सीखा। तो आप टेस्टिंग करके तैयार करके तो रखिए वो नंबर, तो उससे ये पता चलता है कि कौन सी चीज कितनी मिलानी है। तो आप जो आपकी मिट्टी का टेस्टिंग, आपको टेस्टिंग के वो तरीके याद हैं जो हाँ, हमने वो बोतल वर्कशॉप के टाइम पे किए थे? बोतल में पानी भर के उसमें मिट्टी डाल के हाँ रखना था। बिल्कुल, तो बोतल में वो करके रखिए, और 2-3 घंटे बाद जो भी दिख रहा है उसकी बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी फोटो लेके अपने ग्रुप में भी भेज दीजिए, और आपको भी समझ जाएगा तो उसमें से कितना आ रहा है। वो टेस्टिंग का रिजल्ट भी अपने ग्रुप में ही डाल दीजिए, साथ में फोटो भी डालिए और उसका परसेंटेज कितना कितना आ रहा है वो भी डाल दीजिए। तो फिर मैं ठीक, उसके बाद बताता हूँ कि मिक्सचर में कैसे बनाना है। तो मान होता क्या है कि आपको शायद याद होगा कि रेत और चिकनी मिट्टी, ये दोनों हाँ का परसेंटेज हम प्रयास करते हैं कि 30% के आसपास हो।
तो 30% रेत, 30% चिकनी मिट्टी और बचा हुआ जो भी है वो बचा हुआ। और जो चिकनी मिट्टी वाला परसेंटेज है वो 30 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मतलब वो 40 तक भी गया तो प्रॉब्लम नहीं है, पर 30-35 तक रहेगा तो अच्छा है। तो अब यदि इतना आ रहा है आपके इसमें तो ऑलरेडी बेस्ट है। यदि थोड़ा आगे पीछे है तो उसको एडजस्ट करने के लिए फिर वो रेशियो जो हम मिलाते हैं ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 पार्ट मिट्टी और ये 1 पार्ट चूना, उसमें हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं। तो एक बार आप पहले टेस्टिंग करके वो रिजल्ट डालिए, फिर मैं बताता हूँ कि वो रेशियो कितना रखना है। तो आप ठीक है, कल ही कर लीजिएगा तो मैं फिर हाँ कल पक्का, बता दूंगा उस अपने ग्रुप में, हाँ है ना। और फिर अभी बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो मैं धीरे धीरे अभी जमा कर रहा हूँ प्राकृतिक निर्माण को लेके। तो ये मीटिंग्स में मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि वो जो भी जानकारी है मैं सबके साथ साझा भी करते जाऊं, क्योंकि कहाँ पे कौन क्या बना रहा है सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो हाँ आप लोग भी देख सकते हैं। तो अब हाँ जैसे अलग अलग छत बनाने के तरीके हैं, दीवार बनाने के तरीके हैं, फाउंडेशन बनाने के, तो जहाँ पे जो भी होता है वो मैं शेयर ग्रुप में तो शेयर करता ही हूँ, लेकिन वो एक दो फोटो रहती हैं, लेकिन उसका अनुभव क्या हुआ, कहाँ पे कैसे किया या आपने कैसे किया, वो सब तो हम ये मीटिंग में आके अच्छे से बात कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ। चीज, हाँ मैत्री जी। वो हम जो लकड़ी इस्तेमाल करें घर में पुरानी, तो उसका शुद्धिकरण कैसे करना होता है? आपको कितने इंच मोटाई की मिल रही है अभी, अभी वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि उसकी लेकिन अच्छी खासी मोटाई होनी जरूरी है। और हाँ यदि पुराने में उतनी मोटाई की मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको नई लेनी पड़ेगी। नहीं, मोटाई तो है, होगी, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि दो रूम और किचन, उतने में एल आकार का ये पक्का वाला, क्या बन चुके हैं, क्या पक्का वाला, पक्का वाला रूफ, यही तो पक्का है जो अपन कर रहे हैं। हाँ ये वो मैंने जो अभी बताया ना, पत्थर और चूना वाला, वो हाँ दो रूम और किचन तक उतना, और आगे की जो ओसरी है हमारी ऐसे, हाँ उसमें हम ये वो लकड़ी का, और क्या बोलते हैं उसको, हेरिटेज लुक वाला नहीं होता, पहले के जमाने में होते थे, नहीं तो नीचे से तो पूरा एक ही दिखने वाला है वैसे भी। आप देख, ऊपर ऊपर, तो इसका कोई फोटो वोटो होगा तो दिखाइए, तो फिर मैं फिर समझ में हाँ आएगा। फोटो ठीक है मैं है दिखाऊंगी, अभी फोटो कोई मोबाइल, आप तो मोबाइल नहीं से है, कनेक्टेड हैं अभी हाँ मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, तो ढूंढ लीजिए फोटो, इसमें शेयर कर सकती हैं। ठीक है। एक आपने वो देखा है सारंगपुर और कुंडल, वो काम कहाँ पे देखा बोल रहे हैं? वो हनुमान जी का मंदिर है, बहुत फेमस है सारंगपुर, अच्छा, ये कहाँ पे है? ये बोटाद, हम जब भावनगर से अहमदाबाद की ओर आते हैं ना, तो बोटाद आता है बीच में, अच्छा, मैंने वहीं वो पे ये, रास्ता नहीं उपयोग किया है, मैंने राजकोट से अहमदाबाद वाला किया है, तो उसमें तो भावनगर नहीं आता है। वो फिर रास्ते में भी आता है। अच्छा, तो वहां पे क्या है, आप क्या बता रही हैं वहां पे कोई? वहां पे ऐसा है जो मैं आपको बता रही थी ना, शायद आपने देखा हो, तो मैं सोच रही थी कि आपको समझ आ जाए, अच्छा, अभी तक मेरे तो नहीं पास देखा है फोटो भी, हाँ आप,
ने अभी बोला है तो अगली बार मैं जब गुजरात यात्रा करूंगा तो दिमाग में रखूंगा मैं उसको। हाँ वो देखने जैसा है, बहुत अच्छा है। हनुमान जी का मंदिर है प्रसिद्ध, स्वामीनारायण वाले उसकी देखरेख करते हैं, और वहां पे ऐसा पुराना महल जैसा है। हाँ अच्छा, तो देख मोबाइल और पे फोटो आ रही है तो शेयर कर दीजिए, अभी मैं यहीं पे दिख जाएगा मुझे। हाँ मैं बस कर ही रही हूँ। हाँ और एक को बीच में कुंडल धाम आता है, वहां पे क्या भी दरबार कुंडल लगे। धाम? हाँ अच्छा वो भी देखने जैसा है, आपके पास समय हो तो पक्का आप देखिएगा एक बार। हाँ, मैं तो जहाँ जैसा मौका मिलता है जाता ही हूँ, अपने सारे तीर्थ क्षेत्रों में और सभी जगह पे। अभी आपने अलग से बोला है तो वो भी मैं दिमाग में रखूंगा। मैंने शेयर किए हैं, अभी आ रहे हैं फोटो। अभी आए होंगे। शेयर किया गया। हाँ आपके नंबर पर किया है। अच्छा, आपने उधर किया? नहीं, मैं ये मीटिंग के अंदर ही बोल, इसमें भी आप कर सकते हैं, इसमें यही करूं? स्क्रीन पे दिख जाता है। हाँ, यही स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। वो फीचर मुझे मिल नहीं रहा। जहाँ पे मीटिंग का आपका स्क्रीन है उधर ही नीचे हाँ देखिए कहीं पे, शेयर स्क्रीन ऐसे कुछ होगा, शेयर माई स्क्रीन। हाँ देखती हूँ। वैसे मैं इधर भी देख लेता हूँ कितनी देर में आएगा, कि फोन में चालू करो तो वो पहले के जितनी भी देर के हैं सब आते हैं एक एक करके। हाँ अभी आया। इसमें शेयरिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा क्या आपको मीटिंग में? नहीं, वो मेरी वो स्क्रीन ही नहीं मिल रही है। मैं बाहर निकली ना गैलरी में फोटोज देखने, तो मीटिंग ही नहीं मिल रही है। अच्छा, ठीक है। अभी ये फोटोज तो मुझे दिख रही हैं, इसमें आप कौन सी चीज की बात कर रही हैं? इसमें ये जो ओसरी है ना, खुली वाली, ओपन वाली, खुली वाली कौन सी फोटो है? तीसरी, दूसरी है? वीडियो वीडियो आई आपके पास? हाँ, वीडियो आ गया। हाँ वो वीडियो में है ना, वैसा बोल रही हूँ। आगे का हम लोग ऐसा सोच रहे करने ठीक है, तो ये तो उसमें भी दिखने ही वाला है ऐसा। का। नहीं ये तो वो है ना, नलिए को क्या बोलते हैं, टेराकोटा की टाइल्स। हाँ, सिर्फ कलर रंग थोड़ा अलग दिखेगा, पर
दूसरा जो आप एल शेप में जो बोल रही हैं उसमें भी सिर्फ कलर शायद थोड़ा दूसरा दिखेगा, जो भी पत्थर लगाएंगे उसके हिसाब से, हाँ और वो तो बदल सकता है। मतलब वो तो आप नीचे से भी उसके ऊपर जो रंग चाहिए उसका प्लास्टर भी कर सकते हैं पत्थर के ऊपर, तो वो भी नहीं, बदल वो सकता तो है। पक्का रूफ करने वाले हैं उसमें, तो वो हाँ जो दो रूम और किचन एल शेप में पड़ता है, और आगे के जो फ्रंट है ना लुक, वो इस प्रकार रखने की सोच रही है, लकड़ी और टेराकोटा की जो साइज अच्छा, और है वो सीधा रखना है या वो जो स्लोपिंग स्लोप होता है रूफ छत में थोड़ा सा टेढ़ा होता है? हाँ वैसे ही, इसमें वैसे ही टेढ़ा। अच्छा, हाँ फिर टेराकोटा वाला जो है कवेलू अब लगा सकते हैं। हाँ इसलिए ठीक है। इसमें लकड़ी लगाने के लिए मैं पूछ रही थी कि अगर पुरानी लकड़ी हो, वो लोग बोल रहे थे कि हम पुरानी लकड़ी लाके लगाएंगे, तो उसका शुद्धिकरण कैसे करने का? पुरानी लकड़ी कहाँ से लेके आ रहे हैं ये पता है? वो भावनगर राजकोट साइड से लाते हैं, शायद अच्छा कबाड़ी में से ही लाते होंगे। अच्छा ठीक है। तो जब लेके आएंगे तो उसके लाने के टाइम पे आप पहले से 5 5 लीटर नीम का तेल या फिर अलसी का तेल अच्छा वो अपने पास तैयार रखिए। वो आराम से मिल जाता है, हार्डवेयर में भी मिल जाता है, किराने विराने में भी मिल जाता है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मिल जाता है। ठीक है। और इसको आपको 3 कोट करने पड़ेंगे। तीन कोट। हाँ तो ये करने से बढ़िया हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला कोट आप नीम का कीजिए हाँ और उसके बाद अलसी का कीजिए। अच्छा, तो इससे वो और लकड़ी की जीवन बढ़ जाएगा, शुद्धिकरण भी हो जाएगा, और खुले में ही रखिएगा जब ये करेंगे तो। अच्छा धूप रहे तो सबसे अच्छा है। हाँ, धूप तो रहेगी। और खैर आपने तो वो वीडियो में भी देखा ही होगा कि अलसी का तेल वो लगाने के बाद में भी वो लोग लगा रहे थे, तो आप यदि पहले से कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ भाग जो है वो दीवार के अंदर भी जाते हैं ना, हाँ तो वो वाले भागों के लिए ठीक रहेगा पहले से करना। अच्छा ठीक है। ठीक है मैत्री जी, तो अभी हम रुकते हैं। अभी एक और चीज है, मैं आखिरी नहीं, वैसे बता दिया मैंने आपको, नीम अलसी का तेल या फिर काजू के छिलके का तेल भी होता है, लेकिन वो शायद अपने इस एरिया में ज्यादा नहीं मिलेगा, तो नीम हाँ और अलसी ही नहीं ठीक है। वो दक्षिण ठीक भारत में काजू के छिलके का मिल जाता है, यहाँ पे है। नीम और अलसी का करेंगे तो बहुत है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। मैत्री जी जय सियाराम। और आप वो मिट्टी की टेस्टिंग के बारे में ग्रुप में भेज दीजिएगा, फिर बात ठीक करेंगे। है, कल कल भेज दूंगी, और आप जब भी यहाँ पे आए तो हमारे यहाँ आइएगा पक्का। ठीक है, बिल्कुल मैं बता दूंगा। चलिए जय सियाराम मैत्री जी, शुभ रात्रि। जय श्री राम आचार्य जी, शुभ रात्रि।